तो गाइस मेरे पास लेफ्ट साइड में आपको वन प्लस की बुलेट वायरलेस G2 और साथ ही राइट साइड में वन प्लस की बुलेट वायरलेस Z बेस एडिशन गाइस। तो गाइस दोनों ही नेकमंड आपको 2000 रुपीज में आते हैं। तो गाइस के आप भी यहाँ पे एक नया नेकमंड लेने का सोच रहे हो तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ कि आपको इन दोनों से कौन सा यहाँ पे नेकमंड परचेज करना चाहिए, कौन हो सकता है आपके लिए बेस्ट, क्योंकि दोनों की प्राइसिंग आपको यहाँ पे सिमिलर देखने के लिए मिलती है गाइस। तो गाइस चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं, वीडियो में फर्स्ट अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेंगे इन दोनों की, आपको यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में डिफरेंस से कि गाइस हमें क्या कुछ इनके बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में डिफरेंस गाइस देखने के लिए मिलती है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हो ये है दोनों का, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये नेकबैंड जो कि आपको यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल का ये बना हुआ आता है जो कि काफी दोनों सॉफ्ट है गाइस। पर गाइस बात करेंगे जो कि आपको यहाँ पे ज्यादा सॉफ्ट देखने के लिए मिलती है तो मेरे को गाइस यहाँ पे आपको जो पहले वाला वर्जन था वो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट देखने के लिए मिला है एज कम्पेयर टू आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट वाला आता है गाइस वो आप देख सकते हो। बाकी गाइस एक मेरे को यहाँ पे Z2 में डिसअपॉइंट करता है कि गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे इनका जो मॉड्यूल से इनका जो जॉइंट है वो आपको यहाँ पे देख सकते हो कैसा लग रहा है। पर इनका जो आप Z बेस एडिशन की बात करेंगे तो एकदम आपको यहाँ पे सिर्फ क्लीन दिया गया जो कि काफी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है और ये मेरे को लगता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे आपको Z2 गाइस, तो ये चीज मेरे को इसका बेटर नहीं लगा थोड़ा सा। बाकी आपको बात करेंगे इन दोनों का, आपको यहाँ पे मॉडल को देख सकते हो गाइस ये हल्का आपको यहाँ पे मैट फिनिश में दिया गया Z2 का, बाकी ये हमारा हल्का ग्लोसी फिनिश में आता था आपको जो वन प्लस के बुलेट वाले Z बेस एडिशन था गाइस वो। बाकी दोनों पे मिलती थी आपको यहाँ पे वन प्लस की ब्रांडिंग, दोनों में कोई दिक्कत आपको नहीं है। दोनों के यहाँ पे आपको वायर ज्वाइंट की बात करने थी, दोनों में आपको यहाँ सिमिलर दिया गया था, इसमें मेरे को कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं लगी है तो ये काफी अच्छी बात है। बात करेंगे इस इन दोनों के आपको यहाँ पे वायर की, तो वायर भी दोनों के आपको यहाँ पे सिमिलर देखने को मिलते हैं, आपको दोनों के वायर यहाँ पे ब्रीडेड देखने को मिलते हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं आपको इनके बटन एंड कंट्रोल्स में डिफरेंस है कि, तो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो आपको यहाँ पे वन प्लस Z बेस एडिशन का जो बटन आता था वो आपको यहाँ पे एक लेवल में दिया जाता है गाइस, अब देख सकते हो। बट हमारा जो आपको हमें Z2 का बटन दिया गया वो मेरे को यहाँ पे एक चीज बेटर लगा कि हमारा जो MAV बटन है वो हल्का सा आपको यहाँ पे लेवल अप में दिया गया, इवन जब भी आप प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे एक डिफरेंशिएट हो पाएगा कि आपको यहाँ पे कौन से बटन को प्रेस करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बटन यूज करते हो मेरे ख्याल से यहाँ पे MAV बटन आता, तो वो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लगा कि आपको यहाँ पे क्लिकी भी फील होता है, पहले मेरे को उतना क्लिकी फील नहीं होता था बट अब आपको यहाँ पे हल्का सा क्लिकी भी फील होता है। और गाइस एक चीज मेरे को यहाँ पे Z2 में बेटर लगा कि आपको यहाँ पे जो माइक्रोफोन के प्लेसमेंट है वो मेरे को यहाँ पे ऊपर की ओर दिया गया, तो ये चीज मेरे को यहाँ पे बेटर लगा एज कम्पेयर टू आपको यहाँ पे वन प्लस, क्योंकि वन प्लस में आपको यहाँ पे LED इंडिकेटर के अंदर में दिया गया मेरे ख्याल से। और गाइस दोनों ही मिलते हैं आपको यहाँ पे टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट, अगर गाइस आप यहाँ पे वन प्लस बुलेट वाले Z को 10 मिनट चार्ज करते हो तो ये आपको यहाँ पे 10 घंटे की प्लेबैक टाइम देने वाला है, बट गाइस Z2 को जैसे आप यहाँ पे 10 मिनट चार्ज करोगे तो ये गाइस आपको यहाँ पे 20 घंटे की प्लेबैक टाइम देने वाला है गाइस। तो गाइस आप बात कर लेते हैं इन दोनों के आपको यहाँ पे ड्राइवर्स की, तो गाइस आप देख सकते हो ये है इन दोनों के यहाँ पे ड्राइवर्स गाइस, दोनों में आपको यहाँ पे मैग्नेटिक कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाता है। जैसे गाइस आप इसको डिसअटैच करोगे ये दोनों ही आपको यहाँ पे पावर ऑन हो जाएंगे, सर जैसे अटैच करोगे पावर ऑफ हो जाएंगे। बात कर लेंगे गाइस इनके यहाँ पे आपको डिजाइन के, तो गाइस आप देख सकते हो दोनों आपको यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे टिल्ट आते हैं और गाइस वन प्लस की फिटिंग मेरे को यहाँ पे सबसे बेस्ट लगती है गाइस, कभी आपको यहाँ पे कान से जल्दी से आपको यहाँ पे नहीं गिरने वाला है। तो इस एक चीज अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे काफी अच्छे से पता चल पा रहा होगा कि गाइस हमारा जो आपको यहाँ पे Z बेस एडिशन का ड्राइवर्स है ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, और बात करेंगे आपको यहाँ पे Z2 का ये थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि गाइस हमारा जो पहले आता था आपको यहाँ पे Z बेस एडिशन इसमें आपको 9.2 mm के ड्राइवर्स लगे रहते थे, बट इसको यहाँ पे इंक्रीज करके यहाँ पे आपको 12.4 mm के ड्राइवर्स गाइस दिए गए हैं जो कि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा थंबी बेस प्रोवाइड करने वाला है गाइस पहले से भी ज्यादा, तो ये चीज यहाँ पे इन लोगों ने बेटर किया गाइस। बट एक चीज के लिए गाइस मैं यहाँ पे डिसअपॉइंट हूँ कि ये लोग इसकी प्राइसिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते, बट एक फीचर यहाँ पे आपको एक्टिव नॉइज कैंसलेशन इन लोगों यहाँ पे देना चाहिए था इम्प्लीमेंटेशन के साथ, बट इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो गाइस अब बात करते हैं आपको इन दोनों के यहाँ पे साउंड क्वालिटी की, गाइस की दोनों में से साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे किसकी बेटर है गाइस। तो गाइस यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी तो यहाँ पे दोनों के यहाँ आपको अच्छी निकल कर आती है, दोनों में आपको यहाँ पे डबल AC कोडेक दिया गया है, दोनों में आपको यहाँ पे HD साउंड क्वालिटी गाइस प्रोवाइड करते हैं। बट गाइस बात करते हैं यहाँ पे आपको ये एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर वाली हुकर्स तो आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करता हमारा अभी भी आपको यहाँ पे वन प्लस Z बेस एडिशन गाइस, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे Z2 के बेटर साउंड यहाँ पे लगा है। बट गाइस एक चीज से मैं यहाँ पे डिसअपॉइंट हूँ, गाइस इनका जो आपको यहाँ पे फोकस वो हल्के से दब जाते हैं, क्योंकि गाइस आपको यहाँ पे काफी थंपी वाला इसमें बेस गाइस देखने के लिए मिलता है, तो बेस आपको यहाँ पे हल्का से ज्यादा देखने के लिए मिलता है एज कम्पेयर आपको यहाँ पे Z बेस एडिशन गाइस, तो इसलिए मेरे को लगता है इसमें आपको होकर उतने यहाँ पे निकल कर नहीं आते हैं मेरे ख्याल से, आपको इनके म्यूजिक के मतलब आवाज ज्यादा सुनाई देते हैं, इन मीन्स आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छा दिया गया है, बट गाइस मेरे को यहाँ पे होकर सुनकर उतने यहाँ पे आपको अच्छे नहीं लगे एज कम्पेयर टू जितना हमको आना देता था आपको यहाँ पे वन प्लस Z बेस एडिशन था वो गाइस, इसमें मेरे को फोकस काफी बेटर लगा अभी भी गाइस। तो गाइस मेरे को लगता है कि अगर आप अभी भी यहाँ पे आप अरिजीत सिंह वाले गाना सुनते हो बेस आपके लिए उतना मैटर नहीं करता है, तो आपको गाइस अभी भी यहाँ पे Z बेस एडिशन के साथ ही जाना चाहिए, एकदम आपको यहाँ पे गाइस बैलेंस साउंड मिलने वाला आपको यहाँ पे Z बेस एडिशन में गाइस, आपको यहाँ पे Z2 में हल्का सा आपको यहाँ पे बेस को एनहांस किया गया गाइस।
तो गाइस अब बात करते हैं इन दोनों का, आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप की। तो गाइस पहले जो हमारा जेड बेस एडिशन आता था, इसमें जो आपको बैटरी बैकअप मिलती थी, 10 मिनट आप इसको चार्ज करते थे तो आपको ये 10 घंटे की प्लेबैक टाइम देती थी। बट गाइस इसी आपको यहाँ पे फुल बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो वो हमें मिलता था आपको यहाँ पे गाइस 17 से 18 घंटे की बैटरी बैकअप गाइस। बट जो हमारा आपको यहाँ पे लेटेस्ट वाला है जेड 2 है गाइस, इसमें कंपनी क्लेम करती है अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करते हो तो गाइस आपको यहाँ पे डबल इसका 20 घंटे की बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे देने वाली है। तो ये मेरे को यहाँ पे काफी अच्छा लगा। साथ ही गाइस आपको इनका जो फुल बैटरी बैकअप है वो भी आपको यहाँ पे 30 घंटे की बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलती है गाइस। बट यहाँ पे आपको कंपनी क्लेम करती है 50% वॉल्यूम पे। तो गाइस मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप जो हमारा जेड 2 है इसमें आपको यहाँ पे बेटर देखने के लिए मिलता है। मीन्स मेरे को लगता है अगर आप यहाँ पे 10 मिनट चार्ज करते हो तो भी आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप बेटर देखने के लिए मिलता है इससे आपको यहाँ पे जो जेड बेस एडिशन आता था उससे। तो कहीं ना कहीं बैटरी में हमारा जो आपको यहाँ पे जेड 2 है उसमें आपको यहाँ पे बेटर बैटरी बैकअप गाइस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और गाइस अब बात करते हैं दोनों का आपको यहाँ पे गेमिंग की। तो गाइस गेमिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे दोनों से कोई भी रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप यहाँ पे नॉर्मल एंड्रॉइड यूजर्स हो तो। बट गाइस मेरे को लगता है कि अगर आपके पास यहाँ पे वन प्लस का फोन है तो आप यहाँ पे दोनों में से किसी के साथ गेमिंग कर सकते हो, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि गाइस आपको यहाँ पे वन प्लस के फोन के साथ एक आपको यहाँ पे फिनेटिक मोड देखने को मिलता है जिससे आपको यहाँ पे लेटेंसी काफी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है गाइस। तो ये चीज आपको यहाँ पे गेमिंग में यहाँ पे हेल्प करने वाली है। बाकी अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर्स हो तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इससे गाइस गेमिंग करो गाइस। बाकी गाइस हम लोग बात कर लेते हैं आपको यहाँ पे इन दोनों के यहाँ पे माइक्रोफोन की क्वालिटी की। गाइस दोनों में से माइक्रोफोन की क्वालिटी किसकी बेटर है गाइस? तो गाइस उसके लिए मैंने एक यहाँ पे आपको कॉल क्वालिटी टेस्ट किया, आप मेरे को सुनकर बताओ कि आपको यहाँ पे दोनों में से किसकी कॉल क्वालिटी आपको यहाँ पे बेटर लगी है गाइस। तो हे गाइस अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो आप यहाँ पे वन प्लस की बुलेट वाले जेड बेस एडिशन की माइक्रोफोन द्वारा सुन रहे हैं। तो गाइस अब मेरे को बताओ कि आपको इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी लग रही है। तो हे गाइस अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो आप यहाँ पे वन प्लस की बुलेट वाले जेड 2 की माइक्रोफोन द्वारा सुन रहे हैं। तो गाइस आपको इसमें AI नॉइज कैंसिलेशन देखने के लिए मिलती है। तो गाइस आप मेरे को बताओ क्या ये नॉइज को रिड्यूस कर पा रहा है या नहीं। तो गाइस ये सुना आपने इन दोनों की यहाँ पे माइक्रोफोन की क्वालिटी। गाइस आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना आपको यहाँ पे इन दोनों में से किसके माइक्रोफोन की क्वालिटी गाइस बेटर लगा। गाइस मेरे को यहाँ पे जो हमारा जेड 2 है इसका मेरे को यहाँ पे बेटर लगा क्योंकि गाइस आपको यहाँ पे AI नॉइज कैंसिलेशन देखने के लिए मिलता है। तो मेरे को यहाँ पे नॉइज रिडक्शन पावर जो है वो मेरे को यहाँ पे बेटर लगा आपको यहाँ पे जेड 2 को। तो गाइस चलिए अब हम लोग आते अपने मेन वर्डिक पे कि आपको इन दोनों से कौन सा नेकबन कंसिडर करना चाहिए गाइस अगर आपका यहाँ पे बजट 2000 रुपीज है। तो गाइस मेरे को लगता है कि अगर आप यहाँ पे पहले से यहाँ पे वन प्लस जेड बेस एडिशन यूज कर रहे हो तब तो आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं यहाँ पे आपको यहाँ पे नया जेड 2 परचेज करने का। बट गाइस अगर आप यहाँ पे दोनों में से कोई एक परचेज करना चाहते हो तो वहाँ पे आप देख लो गाइस क्या आपके लिए यहाँ पे बैटरी बैकअप ज्यादा मैटर करते हैं, क्या आप यहाँ पे ज्यादा थम्पी बेस वाले गाना यहाँ पे सुनना चाहते हो। तो गाइस आपको यहाँ पे डेफिनेटली वन प्लस जेड 2 के साथ जाना चाहिए गाइस। बट गाइस मेरे को लगता है कि अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल साउंड सुनते हो और आपको एकदम वोकल्स काफी क्रिस्टल एंड क्लियर चाहिए जो कि एकदम आप यहाँ पे सॉफ्ट साउंड सुनते हो आपको यहाँ पे ज्यादा बेस से यहाँ पे मतलब नहीं है तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली जेड बेस एडिशन के साथ जाना चाहिए गाइस। तो आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से देखो कि आपको यहाँ पे इन दोनों में से क्या प्रायोरिटी रखती है। बाकी चीज आपको यहाँ पे दोनों में ही सिमिलर देखने के लिए मिलती है, लाइक ब्लूटूथ वर्जन दोनों में सिमिलर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इन दोनों में आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, दोनों की फिटिंग आपको यहाँ पे काफी अच्छी है। तो इन सब में आपको यहाँ पे फिजिकली आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी अपने प्रायोरिटी के हिसाब से देख लो कि आपके यहाँ पे क्या मैटर करती है गाइस। बाकी इसमें दोनों ही आपको यहाँ पे नेकबैंड के परचेस लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप वहाँ से परचेस करेंगे तो हमारे चैनल को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी आगे रन करने में और इसी तरह की और भी नई वीडियो लाने में। तो गाइस चलिए ये थी आपको यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे आपको कंपैरिजन वीडियो वन प्लस बुलेट वाले जेड 2 की, साथ ही यहाँ पे आपको वन प्लस बुलेट वाले जेड बेस एडिशन की। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपका यहाँ पे कोई सवाल या सुझाव होता वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको गाइस रिप्लाई करने की गाइस। तो गाइस चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।